यह है एडवर्ड। 19th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था दो फेस के साथ। एक एक्स्ट्रा फेस था उन्हें सर के पीछे की तरफ, जो कि बोल या खा नहीं पाता था लेकिन हंसता या फिर रोता था। एडवर्ड ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया था इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि एडवर्ड ने दावा किया था कि ये रात को कुछ विस्पर करता है। 23 साल की उम्र में एडवर्ड ने अपनी जिंदगी का अंत कर दिया। एक बस एक्सीडेंट में इस लड़की ने अपने दो हाथों को खो दिया था। दूसरी तरफ एक एक्सीडेंट में एक लड़की की मौत हो गई थी। फिर इस लड़की को सर्जरी के द्वारा लिम्स मिले, लेकिन क्योंकि डोनर मेल था इसलिए वो हाथ काफी हेयरी भी थे। इनफैक्ट लड़की के स्किन टोन से भी मैच नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद सबको हैरान करते हुए वो हाथ खुद ब खुद उस लड़की के स्किन टोन से मैच होने लगा और काफी हद तक एक लड़की के हाथों की तरह ही दिखने लगा। 2009 में चाइना की एक महिला ने नोटिस किया कि उनके फोरहेड से एक सिंग बाहर आ रहा है। 2010 तक वो सिंग 6 सेंटीमीटर लंबा हो चुका था। हैरानी की बात है, इसके बाद ये देखा गया कि उनके फोरहेड के राइट साइड से दूसरा सिंग बाहर आ रहा है। ये दरअसल बहुत ही रेयर टाइप का स्किन ट्यूमर है। उस महिला ने अपने सिंग को रिमूव करने से मना कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे विजिटर्स उनके पास जो आते थे। ब्रिटिश आर्टिस्ट मार्क क्वेन ने सेल्फ पोर्ट्रेट स्कल्पचर बनाया अपने ही फ्रोजन ब्लड से। क्या ये लिटिल पॉज आपको प्यारे लग रहे हैं? तो बता दूं, ये क्लोजअप पिक्चर है टैरेंटुला के फीट का। ये एक जापानीज आइसक्रीम है जिसका नाम है पेनाप। आप इसको जितना भी खाएंगे ये कुछ ऐसा बनता जाएगा। ये लावा है जो कि मेल्टेड बॉडी की तरह लग रहा है।